लोगों का कहना है कि लगातार पानी की बूंदें टपकने से ये शिवलिंग का जो आकार है वो और वृहद होता जा रहा है। और सभी को नमस्कार। और अभी हम हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट में कुड महादेव में। देखिए ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल के मंडी डिस्ट्रिक्ट में कुड महादेव है। और ये पीछे मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन मंदिर की विशेषता ये है कि ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ मंदिर है। मैं कहूँ ऊंचे पहाड़ों के भी कुछ जड़ में है। ये देखिए ऊंचे पहाड़ है, मैं बैक कैमरा करके आपको दिखाता हूँ, आपको और क्लियर दिखाई देगा। कुछ इस तरीके का पहाड़ है ये, ऊंचा पहाड़ और ऊंचे पहाड़ के बिल्कुल तलछटी में अगर हम कहें यहाँ पर कुड महादेव बने हुए हैं। और इस प्रकार से ये देखिए ऊंचा पहाड़ बिल्कुल आपसे कहूँ कि ऐसा इस प्रकार के शेप में है। और ये देखिए सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हिमाचल में। और ये जो पहाड़ है पूरा निकला हुआ, ये इस कुड महादेव की खूबसूरती को और बढ़ा देता है और चार चांद लगा देता है। चलिए अंदर चलते हैं। तो देखिए काफ़ी सारे यहाँ भक्त हैं, काफ़ी सारी चप्पलें उतरी हुई हैं कुड महादेव में, और नागेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। देखिए हम पहुँच चुके हैं, जय नागेश्वर महादेव। और कुड महादेव के दर्शन करने के बाद ऊंचे पहाड़ों में पंडित जी ने बताया कि एक और गुफा है, हम उस गुफा की तलाश में जा रहे हैं। चलिए फ्रंट व्यू से दिखाता हूँ गुफा कैसी है, वहां वहां तक कैसे पहुंचेंगे आपको दिखाता हूँ। और देखिए काफी ऊपर तक हम आ गए हैं और इस तरीके के शेड लगे हैं, और शेड के अंदर आपको वहां पे गुफा में शिवलिंग दिखाई देंगे। अब हम वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज्यादा मैं आपको बताऊं, बहुत ज्यादा चढ़ाई है, ऊपर चढ़ते में हमारी सांस हाफ रही, अर्जुन मेरे साथ है, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं और हम पहुंचेंगे उस जगह पे। हम आगे बढ़ रहे हैं और शेड लगा हुआ है, आपसे टकराएगा नहीं, आप आराम से चढ़ सकते हैं। और धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं उस गुफा की तरफ, जिस गुफा में शिवलिंग स्थापित है। हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं। ये देखिए ऊंची कंदराओं से, ये देखिए ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखला है और बहुत ही खतरनाक दृश्य यहाँ का, बहुत ही मनमोहक दृश्य मैं कहूँ। ये देखिए ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ, बहुत ठंडी है यहाँ पे। ये देखिए भगवान शिव यहाँ पे विराजमान है, और भगवान शिव की जय हो। और देखिए इस तरीके से पानी यहाँ पे रिस रहा है, पानी रिसने की आवाज हमें आ रही है। ये देखिए इस प्रकार से पानी जो है, ये देखिए पानी टपक रहा है, और ये पानी जो है ये देखिए बहुत ही अद्भुत, बहुत अद्भुत। यहाँ पे भगवान शिव के कई सारे आपको शिवलिंग दिखाई देंगे, और खतरा भी बहुत है, बुजुर्ग यहाँ पे नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन हम पहुंचे हैं। और ये देखिए चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता जा रहा है, क्योंकि हम गुफा के काफी अंदर आ गए हैं। और भगवान शिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मैं फ्लैश ऑन करके आपको दिखाता हूँ, ओम नमः शिवाय। ये देखिए ऊंचे पहाड़ों में बनी हुई गुफा, नागेश्वर महादेव स्वामी। देखिए लोगों का कहना है कि लगातार पानी की बूंदें टपकने से ये शिवलिंग का जो आकार है वो और वृहद होता जा रहा है। और भगवान शिव के कई सारे शिवलिंग आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में हम हैं, और इस वक्त हम नागेश्वर महादेव में, नागेश्वर महादेव जिसे कुड महादेव भी कहते हैं। और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ ये मंदिर, ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से, कंदराओं से घिरा हुआ मंदिर, और ऐसे तमाम शिवलिंग आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, भगवान शिव के स्वरूप शिवलिंग यहाँ पर देखिए। और ये शिवलिंग जो है लगातार पानी गिरने से स्वयं निर्मित हो रहे हैं, ऐसी यहाँ पे लोगों का कहना है, ऐसी मान्यता है। लेकिन प्रकृति की खूबसूरती के बीच में आज हम हैं, और भगवान शिव के इस नागेश्वर महादेव स्वामी में, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।